जाओ इधर इधर घूम के, ऐसे इधर घूम के सीधा सीधा खड़े हो जाए। बाबा साहब अमर रहे। मोर्चे की अगुवाई में ये बंसल समाज के सुअर पशुपालकों का आंदोलन विगत 9 महीने से कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा है। इनकी जो खेती थी सुअर पालन, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और शिवराज सरकार ने आज तक इनको कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया। इनकी रोजी रोटी का संकट है, इनकी माली हालत खराब है। इन्होंने कहा कि हमारे नातिन की शादी है, हमारे पास कुछ है नहीं। किसान मोर्चे ने कल मीटिंग किया और पूरी तरह से तय किया कि किसान मोर्चा अपने खर्चे से यहाँ पर शादी करेगा। तो आज हम परिवार के समक्ष जो है गरीब परिवार की शादी कर रहे हैं और आगे भी जो बड़े आयोजन होंगे वो भी हम समाज के बंसल समाज से करेंगे और उनकी मदद करेंगे और उनकी लड़ाई भी पड़ेगी। लड़का उचेरा सतना का है और लड़की रीवा की है, ये नया तालाब है। यहाँ पे धरना धरना स्थल पे क्यों चुना आपने शादी का? धरना स्थल पे क्या वजह है? हमारे जो है यहाँ कब से धरना कहेंगे? कल से क्या वजह क्या है? जिससे हम लोग शादी करते थे वो तो सब मर गए। अब हमको कोई चारा दिखाना नहीं। धरना में मैंने 8 महीना कुछ दिन हो गया भाई, कोई सहारा नहीं मिला, न कोई नेता दे, न कोई मंत्री दे, न कोई नहीं। मुझे किसान मोर्चा ने साथ दिया तो मैं शादी कर इस स्थान को मेरा मेरे को सुविधा है, मेरे किसान लोग मदद कर रहे हैं, मेरी इज्जत रख रहे हैं, तो क्या मैं करें? शासन से क्या बोलेंगे? क्या शासन से मैं यही बोलूँगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा जानवर मर गया, मेरा कोई चारा नहीं है, मेरा तो धंधा चला गया, मैं किससे शादी? घर चलाने में भी दिक्कत है, खाने में भी दिक्कत है। क्या नाम सुकन्या बंसल? आंदोलन कर रहे हैं मुआवजे की मांग को लेकर पूरे 3 माह से यहाँ रात पाल डाले हुए हैं। हमारी जो यहाँ महिला नेता है सुधरनिया, ये नया तालाब रीवा की हैं और इनके सारे सुअर मर गए, इनके पास रोजी रोटी का संकट है और इन्होंने शादी तय किया उचेहरा में। इन्होंने कहा मोर्चे से कहा कि हमारे पास किसी ठीक नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते हैं, हमारी हालत खराब, बहन किया हमारी बारात वहाँ से आई, पूरा इंतजाम है, सारे लोगों के खाने का इंतजाम है। मोर्चे ने आज दोनों बरवधु यहाँ से शादी करा करके आशीर्वाद देकर भेजने का काम करेगा और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली समता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 28 जून 2023 को करता हूँ तथा इन्हें जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। क्या
शादी पूरे समाज के लिए एक आईना है कि हम संविधान को मानते हैं, बड़ी बड़ी परंपराओं को नहीं। आप अपना जीवन एक साथ शुरू करने की जो शुरुआत की है, पुनः संयुक्त किसान मोर्चा आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है और चाहता है कि आप नित नई ऊंचाइयां अर्जित करें। धन्यवाद। Thank you.